हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये दिवाली व्लॉग का सेकंड व्लॉग है, पार्ट है। तो आपको बताना चाहूँगी कि वो वाला व्लॉग जो था 14 मिनट कुछ सेकंड का, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो मैंने अलग अलग करके डाला। क्योंकि सुबह से आप क्या क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था। तो यहाँ पर सेकेंड वाला पार्ट है। अगर आप देख ही नहीं हो तो फर्स्ट वाला पार्ट जाके देख सकते हो, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जा। बस हाथ में चूड़ी की कमी रह गई है। कैसी लग रही हूँ मैं? ये झुमका अच्छा लग रहा है ना तैयार। मैं जल्दी जल्दी पता है क्यों हुई हूँ? क्योंकि मुझे लगा घर पे रूई है, ठीक है, और है नहीं, तो मैं तैयार होकर जा रही हूँ लेने। चलो मिलते। मैं दिमाग से उतर गया अभी, जो उस टाइम भी मैंने नहीं खोजा, अभी देख रही हूँ। बाहर वाला लाइट ऑन कर देती हूँ, अभी तो जस्ट आना है। तो चलो भाई, तैयार होकर इतना चलते हैं। मैं पहन के क्या जाऊँ, चप्पल पहन के जाती हूँ। यही बेवकूफ़ी होती है, तैयार होके जाओ लेने। तो फटाफट बाती लेने के लिए निकल गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को कॉलोनी भी अपनी दिखा दूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सजी हुई है। मैं तो ज़्यादा अंदर जाती नहीं, ये सामने एक शॉप है ना, वहीं पे जाती हूँ। तो बाती मिल गई थी, बाती लेके आ रही थी, तभी एक शॉप दिखा, मैंने कहा चूड़ी भी ले लेती हूँ, तो चूड़ी भी ले लिया मैंने। तो ये चूड़ी भी ले आई हूँ मैं, मुझे लग रहा है ना देख के। अच्छा सच बताऊँ, थोड़ा सा देख लेते हैं ना, ठीक ठाक। सच में महंगा देते हैं, ये 60 रुपए का दिया है। कोई नहीं, एक हाथ ये लगा लेते हैं, एक हाथ में। अरे एक हाथ में घड़ी, क्या फायदा सजने संवरने का, कहीं बाहर तो जाना है नहीं। बाल खोलूंगी लेकिन थोड़ा पूजा कर लूँ उसके बाद। ये तो बहुत सरकने वाला है यार, वो है ना। यहाँ पे तैयार तो हो गई थी, इयररिंग को लेके ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, मैं क्या डालूँ क्या डालूँ। फिर मुझे ये झुमका डालने का मन था, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद आता है, लेकिन ये जा नहीं रहा था सूट पे, तो मैंने कहा पिंक वाला डाल लेती हूँ। अच्छा, आपको ये जो पिंक वाला बाला आप मेरा देख रहे हो ना, मैं ना फर्स्ट टाइम जब लवली से मिली थी तो मैं ये बाला ही पहनी थी, और पटियाला सूट पहनी थी, और मेरे लंबे बाल थे कमर तक। और मैंने ना, जैसे हम वो मुझे ट्रेंड्स में, रिलायंस ट्रेंड्स में ले गए थे शॉपिंग कराने, तो वहाँ से मुझे एक जगह से घड़ी दिलवाए थे और वहाँ से कपड़े दिलवाए थे। टॉप लिया था मैंने एक, और जींस लिया था सर। तो फिर ब्लैक कलर का शर्ट पहन के लवली आए थे, और कांच में ना मैंने साथ में फ़ोटो लिया है, वो फ़ोटो अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। तब मैं ना यही बाला कान में डाली थी। तो चलो हम इस बात को छोड़ते हैं, थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। फिर यहाँ पे मैं देखो यार, पूजा की तैयारी कर रही थी, और मुझे इतना सच बताऊँ तो दीपावली में कैसे क्या क्या करते हैं इतना नॉलेज नहीं था। जो मैं देखी हूँ थोड़ा बहुत, मतलब मेरे नज़रों में आ गया, उस हिसाब से मैं पूजा कर रही हूँ। क्योंकि मेरे घर पे भी ना मम्मी, बड़ी मम्मी मुझे पूजा नहीं करने देती थी, बोलती थी जाओ तुम दिया रख के आओ, दिया रख। मम्मी और बड़ी मम्मी मिल के दोनों लोग पूजा कर लेती हैं, और बोलती हैं जाओ दिया रख के आओ। तो मुझे ये पता है कि दिए कहाँ कहाँ रखे जाते, तो एक बच्चे को जो काम दिया जाता ना वही मुझे दिया जाता था। जाओ जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है ना, वहाँ पर दिए पे रख दो, दिया रख दो, और वहाँ तुलसी माता के यहाँ रख दो, पूरे रूम में रख दो, किचन में रख दो, सीढ़ियों के पास रख दो, छत पे सजा दो, मतलब वही बच्चों वाले काम मेरे को दिए जाते। ससुराल में भी यही हुआ, मम्मी के साथ तो मैं थी, मुझे याद है अभी भी वो फ़ोटो है कि वो ना दिए में ना तेल डाल रही थी, और मैं बैठी थी उनके साथ, फ़ोटो खिंचवाई हूँ अपने सासू माँ के साथ। और वो भी वो सीढ़ियों पर रखने के लिए मुझे देती, घर घर में रखने के लिए दे रही थी। हाँ, आरती मैंने किया था। तो यहाँ पर मैं मिठाइयाँ सजा दूँगी,
और दिए सजा दी हूँ, उसमें बाती लगा दी हूँ, तेल लगा दी हूँ। अब पीतल का जो दिया है ना वो बालाजी के लिए मैंने, क्योंकि वो बालाजी का ही दिया है तो उसमें ही मैं जलाऊँगी दीपक। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया है, छोटा मोटा जो भी मेरे से करते बना मैंने मन से किया है, ये मैटर करता है कैसे किया है क्या किया है यार। ये अगर गलती हो जाए तो मैंने माफ़ी मांग ली है भगवान से कि भगवान मुझे माफ़ करना, इतना मुझे नहीं ज्ञान है कि कैसे करनी कैसे नहीं करनी। सिंपल मैं बालाजी का पूजा करती हूँ तो इसलिए इतना मुझे और भगवान का नॉलेज नहीं है कैसे पूजा पाठ करते हैं क्या क्या रखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत नॉलेज होता है। जैसे मेरी बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी को है तो मम्मी भी देखते देखते हो गया, तो दोनों लोग पूजा बहुत करती हैं भी। तो यहाँ पे देखिए मैं ये गणेश और लक्ष्मी जी का मूर्ति लाई थी, पिंक कलर का, बड़ा ही सुंदर लग रहा था मेरे को ना, तो मैंने वो ले लिया, दिया जला दिया। मैं रंगोली नहीं बना पाई थी इसलिए मैंने चिपकाने वाली रंगोली ले आई थी, और इस तरीके से दिया जला दिया है, मिठाई रख दी। और ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का आप जो देख रहे होगे ना वो मैं ले आई हूँ हवन, मतलब पूजा करने के बाद हवन लास्ट में करते हैं तो वो करूँगी मैं। और ये हमारे गणेश जी और लक्ष्मी जी बड़े सुंदर लग रहे थे मुझे, तो बालाजी हैं। पानी और खीर सुबह का मैंने चढ़ा रखा है, मिठाई चढ़ाऊँगी अभी। तो साफ सफाई कर दी है मैंने, आप देख सकते हो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा ना आम के पत्ते और वो गेंदे के फूल से ऐसे माले मिल रहे थे, वो सजा दिया, जो भी करते बना कर दिया है और अपने आप को थोड़ा सजा लिया है। हाय मैं तो दुल्हन टाइप में लग रही हूँ यार, तो छोड़ो। तो यहाँ पे यार मैं दूर बैठ के पूजा कर रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मेरे ना चुन्नी में ना पकड़ ले दुपट्टे में, क्योंकि ये ना दुपट्टा अजीब टाइप का, अगर पकड़ लेगा ना तो बहुत जल्दी जलेगा। तो यहाँ पे मैं सुना था मैंने कि आरती नहीं की जाती, लक्ष्मी जी बड़ी चंचल होती हैं वो चली जाती हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पर आरती नहीं किया, नहीं तो मैं सोची थी कि मैं आरती करूँगी। तो यहाँ पर दिया दिखाया और मिठाई विठाई चढ़ाई सब कुछ किया और सारी चीज़ें जो मेरे से करते बने यार भगवान, गलती हो कुछ भी माफ़ कर देना, तो किया। और फिर दिया मैंने सब रख दिया बाहर दो और रूम में ऐसे ऐसे, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मैंने कहा। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि पूजा करने के बाद जिसको जैसा बनता है हवन भी कराता है ताकि बुरी शक्तियाँ घर से निकल जाए, लक्ष्मी जी का वास हो। तो यहाँ पे मैंने वही किया, थोड़ा सा यार स्लो कर देती हूँ, तो यहाँ मैंने वही किया है। मैंने पूजा करने के बाद हवन पंच करके ना पूरा पंच तत्व जैसे मिला होता है और वो हवन की तरह बना होता है, उसको बस जला के रखना होता है तो पूरा, ताकि बुरी शक्ति नेगेटिविटी चली जाए। और हवन वो जो लोबान की खुशबू आती है ना बहुत अच्छा लगता है, तो ये छोटा सा ऐसे आता है आप देख सकते हो, ये आएगी बालाजी मेरे। आप ये सोचोगे क्या है ये, वो है मतलब यहाँ पे मैंने प्रसाद निकाल के रख दिया है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आप सोचोगे क्या है। तो ये सीहोर से मैं जो कंकड़ लाई थी, तो हर कंकड़ में शंकर होते हैं, तो मेरी दीदी ने कहा था कि कंकड़ लेके आना, उस पर जल चढ़ा के समझना शिवलिंग है, और वो हर कंकड़ शंकर बोले थे, जैसे बोलते हैं ना जो देते हैं ज्ञान जो भी बाबा हैं वहाँ के, तो बोलते हैं ना। तो मैं क्या बता रही थी, यहाँ पे इतने तेज पटाखे छूटे हैं ना कि मैं भूल गई। हाँ, तो हर कंकड़ शंकर ऐसे करके बोले थे, तो दीदी बोली थी लाना जल चढ़ाना और रुद्राक्ष लाना, भिगो के रखना जल चढ़ाना, पीना, तुम्हारा जो ग्लूटेन की प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। तो वही मैं ले आई थी। पता है आज मेरे को थोड़ा सा खुशी हो रही है इस वजह से, क्योंकि फर्स्ट टाइम, मतलब पहले ना मम्मी सब लोग करते थे, मैं नहीं करती थी, आज अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने हाथों से कुछ किया है, सेलिब्रेट किया है। वो थोड़ा सा शाम को जाके लाना, और फिर ये देख रहे हो आप जो भी थोड़ा सा पूजा किया है ऐसे ना, ये दिया हुआ जलाना, तो थोड़ा तो सेलिब्रेट किया है। चलो बालों को ऐसे बांध लिया है, अब यहाँ पे लाइट बंद कर दिया है, आप लोग को दिख लेंगे टी शर्ट और एक छोटा सा पजामा, ये दोनों पहन के अब चलूंगी, खाना खाऊंगी फिर सोऊंगी। मन करो दरवाजा, अब आगे वाले रूम से कोई लेना देना, यही रूम है सो।
तो चलो कपड़ा बदल के तब मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा कर लिया चेंज और ये डाल लिया कंफर्टेबल सा टी शर्ट। मेरे पास सच बताऊँ तो 4-5 ऐसे टी शर्ट हैं, मैं यही पहनती हूँ। मेरे को ढीले ढीले टी शर्ट, लंबे लंबे ना, मैं डबल एक्सल टी शर्ट लेती हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ढीले ढीले से लूज टाइप में छोटे वाले टी शर्ट, अब फैशन भी चला गया यार। यहाँ पर ना लंबे लंबे टी शर्ट ही सब पहनते हैं, अच्छा भी लगता है, कम्फर्टेबल भी रहता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट कर रही हूँ, फटाफट पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और चावल वही निकाल रही हूँ ताकि खा लूँ। और खीर बनाया था, भूख बहुत तेज़ की लगी थी और थकान भी काफ़ी लग रही थी, तो मैंने कहा खा पी के सो जाते हैं, बर्तन कल धुलूँगी। तो यहाँ पे वही कर रही थी मैं, और खाना निकालूँगी और मम्मी को कॉल लगाऊँगी, मम्मी से बात करते करते खाना खाऊँगी, यही है मेरा। तो निकाल लिया मैंने दाल चावल, खाऊँगी फटाफट, मिलती हूँ, बाय बाय। बहुत भूख लगी, थक गई हूँ, प्यास लगी, खाना खा के पाती हूँ। रात हो गई है और सोती हूँ, मैंने कहा ब्लॉग का इन नहीं किया है तो इन कर देती हूँ यहीं पे। और सब कपड़ा वपड़ा चेंज किया, खाना वाना खाया, बर्तन धुलने के लिए सुबह के लिए रख दिया क्योंकि बहुत थकान हो गई है। मम्मी से बात किया, मम्मी 10:30 बजे खाना खा रही, मुझे भी देखो नींद आ रही है। तो मम्मी 10:30 बजे खाना खा रही थी और मैंने बोला खाना वाना खा ली क्या? हाँ खा ली। मैं सोच ही रही थी मम्मी का ना स्क्रीन शॉट डालूँ, स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड करके जीजी का, बड़ी मम्मी का और मम्मी का डालो ताकि आप लोग देख सको। लेकिन यार मैं क्या बताऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे, एक बार यूट्यूब पर वीडियो देखना पड़ेगा फिर समझ में आएगा स्क्रीन रिकॉर्ड कहाँ से होता है, देन मैं वहाँ पे वो कर पाऊँगी। बड़ी मम्मी और मम्मी जब बात करेंगी वीडियो कॉल तो रिकॉर्ड कर पाऊँगी और आप लोग को दिखा पाऊँगी। तो चलो सो जा, और मैं अभी सो जाती हूँ। मेकअप वेकअप उतार लिया है मैंने, मैं उठ के नहीं, आलस हो गया, ये तक ये रखा था वाइफ, इससे ही अपना मुंह धुल लिया, पोछ वोछ लिया, बस बिंदी नहीं हटा, अच्छा लग रहा है, बड़ी बिंदी बहुत दिन बाद। तो सोते हैं, बाय बाय। ओ भगवान, शक्ति दो भगवान, बाय, गुड नाइट।